Assalamu alaikum, my name is Dr. Saqib Iqbal and welcome to the lecture 5 which will be on cyber ethics. Okay, before going on to the cyber ethics, I want to repeat the previous lecture कि हमने पिछले लेक्चर में क्या क्या बातें की थी. उसमें अगर आपको याद हो तो हमने एथिक्स के ऊपर बात की, जनरल एथिक्स पे, जो कि एक आईटी प्रोफेशनल को फेस करने पड़ते हैं ड्यूरिंग देयर प्रोफेशनल लाइफ. तो उसमें हमने बहुत सारी केस स्टडीज देखी, 9 टू बी प्रिसाइज. और उस केस स्टडीज में हमने देखा कि व्हेन एन आईटी प्रोफेशनल इज सम काइंड ऑफ डिसीजन मेकिंग सिचुएशन, देन व्हाट शुड ही और शी डू. और उसमें उसके अंदर डिसीजंस ऐसे होने चाहिए जो कि मॉरली, एथिकली और लीगली सही हो. तो हमने 9 डिफरेंट सिनेरियोज को डिस्कस किया था और उन सिनेरियोज में हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आती हैं व्हेन एन आईटी प्रोफेशनल हैज टू मेक अ क्रिटिकल डिसीजन व्हिच कैन हार्म और व्हिच कैन गिव बेनिफिट टू द यूजर्स और टू द कंपनी और टू देमसेल्व्स. तो ऐसी सिचुएशन के अंदर व्हाट एथिक्स से एंड व्हाट आर द कोड ऑफ एथिक्स व्हिच अलाउ यू टू डू. तो उस तरह की हमने सिचुएशन देखी और हमने ये देखा कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो कि IEEE कोड ऑफ एथिक्स और ACM कोड ऑफ एथिक्स ने डिफाइन किए हुए हैं. एंड यू हैव, इफ यू फॉलो दोज कोड ऑफ एथिक्स देन यू कैन मेक अ बेटर डिसीजन. और उसके अंदर वो डिसीजन ना सिर्फ यूजर्स के लिए सही होता है बल्कि क्लाइंट्स के लिए भी सही होता है, बल्कि प्रोफेशनल की अपनी लाइफ और अपनी करियर के लिए भी ठीक होता है. तो उन 9 केसेस के अंदर हमने डिफरेंट पॉलिसीज देखी, डिफरेंट रूल्स देखे, प्रिंसिपल्स देखे और फिर इन द एंड मैंने समराइज किया कि इन कोड ऑफ एथिक्स को आप अपनी लाइफ में कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. और इवन उनमें से अगर आपको याद हो तो एक केस स्टडी स्टूडेंट्स के ऊपर भी थी कि स्टूडेंट्स अपनी लाइफ में व्हेन दे आर राइटिंग थीसेस, व्हेन दे आर राइटिंग असाइनमेंट्स, व्हेन दे आर डीलिंग विद द टीचर्स और व्हेन दे आर स्टडीइंग, देर आर सम सर्टेन रूल्स विच दे कैन फॉलो टू डू देयर स्टडीज एथिकली करेक्ट. तो हमने वो भी रूल्स देखे. और आज हम जो देखेंगे वो है साइबर एथिक्स. नाउ जो हमने प्रीवियस लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स में किया वो जनरल एथिक्स के ऊपर था कि आप अगर तमाम कंप्यूटर साइंस के फील्ड में देखें, वेदर यू आर इन एनी फील्ड, वेदर यू आर डूइंग सम नेटवर्किंग, वेदर यू आर वर्किंग ऑन अ कंप्यूटर इन एन ऑर्गेनाइजेशन, वेदर यू आर वर्किंग इन अ सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री और यू आर डेवलपिंग अ सिस्टम फॉर सम क्लाइंट, तो वो एक जनरल कोड ऑफ एथिक्स थे जिनके मुतालिक हमने बात की. अब कुछ कोड ऑफ एथिक्स आते हैं जो कि इंटरनेट से रिलेटेड हैं या साइबर स्पेस से रिलेटेड. अब साइबर स्पेस क्या चीज है? साइबर स्पेस कहा जाता है कि इंटरनेट से रिलेटेड जितनी भी टेक्नोलॉजीज हैं उनके अंदर जब आप कोई काम कर रहे होते हैं और उस काम, वो काम आपका प्रोफेशनल काम भी हो सकता है और आप सिंपली लोगों के साथ कनेक्ट हो रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, या आप किसी कंपनीज के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं या जनरल पब्लिक के साथ आप इंटरेक्ट कर रहे हैं, किसी को अपना मैसेज दे रहे हैं, तो साइबर स्पेस जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत क्रिटिकल हो गई है क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेवलेंस यूज ऑफ इंटरनेट एंड मोबाइल टेक्नोलॉजी और मीडिया जो है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है और उसके अंदर उसका यूजेज इतना बढ़ चुका है लोगों के अंदर कि अब हमें ये भी देखना चाहिए कि एथिकली क्या हम जितने भी काम इंटरनेट पे या इंटरनेट रिलेटेड मीडियम पे कर रहे हैं वो करेक्ट हैं कि नहीं है. तो उसके अंदर भी टीच करने की ज़रूरत है. और चूंकि आप इंशाल्लाह फ्यूचर में आईटी प्रोफेशनल बनेंगे तो आपको ये भी देखना चाहिए कि इंटरनेट के ऊपर जब आप जाते हैं तो कौन से ऐसे काम हैं जो एथिकली रॉन्ग हैं और कौन से ऐसे काम हैं जिनको आप एथिकली अवॉइड करना चाहिए ताकि जिससे दूसरे लोग हर्ट ना हो, हार्म ना हो या दूसरे लोगों की लाइफ मुतासर ना हो. तो साइबर स्पेस को मैं थोड़ा सा मजीद डिफाइन करूं तो साइबर स्पेस इज नॉट ओनली इंटरनेट, बल्कि साइबर स्पेस के अंदर आपका सोशल मीडिया भी शामिल है जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर और लिंक्डइन और इस तरह के बहुत सारे सोशल नेटवर्क्स हैं जो कि इंटरनेट पर अवेलेबल हैं. साइबर स्पेस इसके अलावा मोबाइल टेक्नोलॉजी भी है क्योंकि इफ़ यू लुक एट मोबाइल, एवरी मोबाइल हैज गॉट्स इंटरनेट कनेक्शन इन इट. सो
एंड ऑल्सो इवन इफ यू डोंट हैव इंटरनेट कनेक्शन यू आर कनेक्टिंग विद पीपल थ्रू योर मोबाइल्स, तो आप एक वायरलेस मीडियम यूज कर रहे हैं मोबाइल्स के अंदर भी, तो वहां पर भी आपकी जिम्मेदारी बनती है कि वेन यू आर टॉकिंग टू पीपल, वेन यू आर कन्वेइंग योर मैसेज टू पीपल, वेन यू आर ऑन अ सोशल नेटवर्क, तो आपको कैसे बात करनी चाहिए जो एथिकली करेक्ट हो. अब उसकी एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि अगर आप फेसबुक की एग्जाम्पल लें, तो फेसबुक के ऊपर आजकल जो लोग जो कुछ चाहे जो उनके दिल में आता है वो पोस्ट कर देते हैं, एंड उसके अंदर बहुत सारे रिलीजियस, बहुत सारे मॉरल, बहुत से पॉलिटिकल इश्यूज भी आते हैं. तो यहाँ पर भी देखना चाहिए कि दुनिया के अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, एंड इफ यू लुक एट ऑल द पीपल हु आर यूजिंग फेसबुक और यूट्यूब, दे आर फ्रॉम डिफरेंट सेक्ट्स, दे आर फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन्स, दे हैव गॉट डिफरेंट सेंटिमेंट्स, दे हैव गॉट डिफरेंट पॉलिटिकल एंड रिलीजियस अफिलिएशंस, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ ऑल दोज सेंटिमेंट्स एज वेल when you are posting something on Facebook. Similarly, when you are commenting on a Facebook or when you are sharing your material with other people on the Facebook, then you should also take a notice of it that nobody should be harmed with your actions, with your posts or with your comments, and you should behave generally on the social media, because social media is not meant for one person, it's not meant for only your friends, but also there are people from all over the world, and even if they don't have a direct connection with you, through your friends or through your circles, they can look at your posts, they can look at your comments, and they could be hurt, and that will not only reflect a bad impression of you people, but it will also give a bad impression of your sect, your nation, or your religion. So, इसके अंदर फिर बहुत सारी चीजें आ जाती हैं कि Facebook या इससे related जो social media है, उनके अंदर जब हम चीजें share करते हैं, तो उसके अंदर code of ethics हम कैसे apply कर सकते हैं? और फिर ये सवाल भी उठ सकता है कि सोशल मीडिया तो एक जनरल मीडिया है, तो वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल बिकॉज वी आर नॉट वर्किंग, आई मीन इन दैट एनवायरनमेंट वी आर नॉट गेटिंग पेड फॉर इट, बट ओनली वी हैव सब्सक्राइब टू इट, सो देर इज नो रूल विच अप्लाई टू अस. तो ये बात नहीं होती कि अगर आप एक एम्प्लॉई हैं तो आपके ऊपर कुछ रूल्स इम्प्लीमेंट होंगे, बल्कि generally when you are living in a society, you should take care of other fellow members in the society, you should take care of the people around you. To uske andar ab Facebook ke andar theek hai, aapka agar aap koi cheez buri keh denge to maybe you're not gonna get fired, because humne previous example mein dekha ki agar aap code of ethics ke खिलाफ काम करेंगे तो एज एन आई टी प्रोफेशनल में भी आपको जॉब से भी निकाल दिया जाए, आपके करियर के अंदर प्रॉब्लम आ सकता है, आपके फ्यूचर तरक्की में प्रॉब्लम आ सकता है. लेकिन अगर सोशल मीडिया पे देखें तो आप इस चीज से आजाद हैं, बिकॉज यू आर नॉट एम्प्लॉई, बट स्टिल एज अ जनरल पर्सन, एज अ सोसाइटी पर्सन, देर आर सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज विच यू हैव टू फॉलो. अच्छा, अब साइबर स्पेस में जब भी हम साइबर स्पेस की बात करेंगे तो आप अपने जहन में यही रखेंगे कि उसके अंदर आपके वो सारी टेक्नोलॉजीज शामिल हैं जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं या वायरलेस टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड हैं, और उन टेक्नोलॉजीज के ऊपर आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं वो एथिकली करेक्ट होना चाहिए. अब एथिकली करेक्ट होगा तो वो डेफिनेटली मॉरली और लॉ वाइज भी करेक्ट होगा. अगर आप तमाम रूल्स एथिक्स के देखें तो उसके अंदर आपका लॉ भी कवर हो जाता है और मोरालिटी भी कवर हो जाती है. लेकिन अगर आप दूसरी साइड पे जाएं, मैंने ये एग्जांपल लेक्चर नंबर 3 में भी दी थी, लेकिन अगर आप दूसरे एंगल से देखें तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनमें मे बी लॉ ब्रेक हो और एथिकली दे माइट बी करेक्ट, और या मे बी मॉरल ब्रेक हो लेकिन एथिकली शायद इतना बुरा ना हो. लेकिन एथिकली अगर आप करेक्ट रहें तो आप बाकी दोनों चीजें भी करेक्ट रख सकते हैं. तो अब हम इसको देखेंगे कि साइबर एथिक्स में क्या क्या चीजें शामिल होती हैं. पहले तो मैं इसके बैकग्राउंड में जाऊंगा. तो व्हाट इज साइबर एथिक्स?
साइबर एथिक्स इज द स्टडी ऑफ मॉरल, लीगल एंड सोशल इश्यूज इन्वॉल्विंग साइबर टेक्नोलॉजी. साइबर टेक्नोलॉजी की मैंने अभी आपको एग्जांपल दी, तो उसमें जितने भी मॉरल, लीगल और सोशल इश्यूज होंगे उसकी स्टडी को साइबर एथिक्स कहा जाता है. इट एग्जामिन्स द इम्पैक्ट दैट साइबर टेक्नोलॉजी हैज फॉर आवर सोशल, लीगल एंड मॉरल सिस्टम्स. ठीक है, फिर इसमें ना सिर्फ हम पढ़ेंगे कि मॉरल, लीगल और सोशल इश्यूज क्या हैं, बल्कि उनका इम्पैक्ट भी देखेंगे कि हाउ दे आर दे कैन इम्पैक्ट सोसाइटी इन जनरल एंड योर वर्क स्पेस इन पर्टिकुलर और योर करियर इन पर्टिकुलर. इट ऑल्सो इवेल्युएट्स द सोशल पॉलिसीज एंड लॉज दैट हैव बीन फ्रेम्ड इन रिस्पॉन्स टू इश्यूज जनरेटेड बाय द डिवेलपमेंट एंड यूज ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी. तो उसके अंदर बहुत सारी पॉलिसीज और लॉज हैं जो कि फ्रेम किए गए हैं. देखें, साइबर टेक्नोलॉजी जो है वो उसका बूम 90s में आया, वो इंट्रोड्यूस तो हुई 70s और 80s के अंदर, लेकिन उनका बूम जो है जब जनरल पीपल ने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जब यूनिवर्सिटीज में या लोगों के घरों में इस्तेमाल होना शुरू हुआ, तो वो अराउंड 90s ही था, अर्ली 90s था. तो इससे पहले इन एथिक्स पर गौर नहीं किया जाता था कि इंटरनेट रिलेटेड भी कोई एथिक्स हो सकते हैं. इससे पहले जितने भी एथिक्स थे वो कंप्यूटर प्रोफेशनल्स के थे इन देयर प्रोफेशनल लाइफ, और कंप्यूटर एप्लीकेशन और कंप्यूटर सिस्टम्स रिलेटेड थे. लेकिन विद द इंक्रीज ऑफ पॉपुलैरिटी इन द साइबर स्पेस ऑफ द साइबर स्पेस पीपल हैव स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट दैट देर शुड बी सम पॉलिसीज डिफाइंड, देर शुड बी सम लॉ डिफाइंड फॉर यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी एज वेल. तो उन्होंने 90s के अंदर साइबर एथिक्स बनाने शुरू किए, और अभी भी इवन टिल नाउ ये वेल डिफाइंड नहीं है. मैं आपको इन लेक्चर्स के अंदर दो तीन जो एथिक्स प्रपोज किए गए हैं उनके मुतालिक पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी भी दे आर स्टिल अंडर वर्क एंड दे आर स्टिल अंडर प्रोग्रेस, और ये कम्प्लीट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर विद दी आपने देखा होगा कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी कितनी तेजी से तरक्की कर रही है, तो साइबर टेक्नोलॉजी में दिन ब दिन नई चीजें ऐड हो रही हैं. तो जब नई चीजें ऐड होंगी देन यू विल हैव टू डिफाइन न्यू लॉज एज वेल फॉर देम. बट इफ यू लुक एट द कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट साइड, इट इज नॉट गोइंग विद द सेम पेस एज इंटरनेट टेक्नोलॉजीज आर गोइंग. तो उनके लिए साइबर एथिक्स जो है वो भी इवेंचुअली अपडेट होते हैं आफ्टर सर्टन टाइम, लेकिन साइबर टेक्नोलॉजी के लिए तो स्पेशली आपको साइबर टेक्नोलॉजी के पेस के साथ चलना पड़ता है, और साइबर एथिक्स उसी तरह डिफाइन करने पड़ते हैं. हेंस देयर इज अ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप हियर. अच्छा, अब इसमें रेसिप्रोकल रिलेशनशिप का मतलब ये है कि उधर से इश्यूज आते हैं साइबर टेक्नोलॉजी से, और इधर फिर नया लॉ उसके मुताबिक बना लिया जाता है, क्योंकि जिस तरह मैंने बताया कि इसके अंदर तरक्की की पेस इतनी ज्यादा है और इसके अंदर नई टेक्नोलॉजीज दिन ब दिन इतनी ज्यादा आ रही हैं, तो उसमें फिर इश्यूज भी नए आते हैं. और वेन एवर अ न्यू इशू कम्स अप एंड देन द पीपल हु आर फ्रेमिंग दिस पॉलिसीज, हु आर मेकिंग दिस पॉलिसीज, देन इन रिस्पॉन्स टू दैट इशू दे मेक अ न्यू पॉलिसी, दे गिव अ न्यू लॉ. Okay, cyber technology refers to a wide range of computing and communication devices, from standalone computers to connected or network computing and communications technologies to the internet itself. Ab iske andar bahut sari devices aati hain, jis tarah maine pehle bataya ki starting from handheld devices ya standalone computers, ki aapke paas mobile aur computers aur connected networks jitne bhi hain. अब कनेक्टेड नेटवर्क्स जो होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर भी होते हैं लैन और वैन की सूरत में, और इंटरनेट के ऊपर भी कनेक्टेड कनेक्शंस हैं. तो ये उनके मुतालिक है कि उनके ऊपर जो इश्यूज आते हैं जब लोग उनको इस्तेमाल करते हैं ऐसी टेक्नोलॉजीज को, तो उनको हमने कैसे हैंडल करना है. साइबर टेक्नोलॉजीज इंक्लूड हैंडहेल्ड डिवाइसेज सच एज पाम पायलट्स, पर्सनल कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप एंड लैपटॉप्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एंड सो फोर्थ. तो इसके अंदर ये कोई वेल डिफाइंड नहीं है,
जहरी बात है अब न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही है तो वो सब डिवाइसेस भी इसमें शामिल होती जाएंगी, लेकिन पर्टिकुलरली वो डिवाइसेस होती हैं जिस तरह के पाम पायलट्स हैं, जिस तरह के आजकल आपने देखा होगा आईफोन या गैलेक्सी या और मोबाइल जो हैं जो कि इजीली इंटरनेट से कनेक्टेड होते हैं और वो इंटरनेट से आप एप्लीकेशन डाउनलोड भी कर सकते हैं, इंटरनेट पर एप्लीकेशन रख भी सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। तो वो सारी डिवाइसेस और फिर इंटरनेट के जरिए आप दूसरे लोगों से कनेक्ट भी हो सकते हैं, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हैं। अब क्लाउड कंप्यूटिंग का दौर भी है, आई क्लाउड्स के मुतालिक में भी आपने सुना हो कि आई क्लाउड में आप जो है एक ही टाइम पे कई डिवाइसेस के साथ कनेक्टेड होती हैं, वो सारे डिवाइसेस आपकी होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका घर पे कंप्यूटर है, आपका एक ऑफिस में कंप्यूटर है, आपके जो मोबाइल है वो इटसेल्फ भी कंप्यूटर है, उसके अंदर इंटरनेट टेक्नोलॉजी भी है और कंप्यूटर की अदर अदर एप्लीकेशंस भी हैं। तो आप क्या कर सकते हैं विद द यूजेज ऑफ आई क्लाउड टेक्नोलॉजी, यू कैन गेट कनेक्टेड विद ऑल दीज डिवाइसेज at one time and you can keep your data in all these devices and whenever you change your data that change will be reflected in all the devices automatically through internet. to ab isme dekhen ki kitne issues aa rahe hain. ab yahan par main ek choti si misal dun ki humne previous lecture mein dekha tha ki usme ek case tha jiske andar jo computer programmer thi jo ki ek project pe kaam kar rahi thi to वो नॉर्केटिक्स का प्रोजेक्ट था और उसके अंदर जो ड्रग अब्यूजर्स थे उनका पर्सनल डेटा था उसके पास और वो उनके ऊपर उनका रिकॉर्ड कीपिंग कर रही थी। तो उसने क्या किया कि वो रिकॉर्ड उठाकर वो घर ले गई ताकि घर से बैठकर भी कुछ काम कर सके। तो उसके अंदर हमने देखा देयर वर मेनी एथिकल इश्यूज विच शी वायलेटेड बिकॉज शी टुक द पर्सनल डेटा ऑफ द पेशेंट्स टू हर होम एंड देन एट हर होम एनीबॉडी कैन check that data or can misuse that data, whether her friends or her relatives, whoever gets access to that data. तो ये एक data privacy और confidentiality की violation थी। तो उसी को अगर आप इसमें आई क्लाउड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी के अंदर भी देखें तो इधर भी वो चीज आ सकती है कि आपकी अगर डिवाइसेज हैं, आपका एक हैंड हेल्ड डिवाइसेज है जिसमें आपका एक मोबाइल है और वो कनेक्टेड है घर के कंप्यूटर के साथ और आपके ऑफिस के साथ, तो आप क्या कर सकते हैं आई क्लाउड के थ्रू कि यू कैन ऑलवेज कीप डेटा ऑन योर मोबाइल एंड दैट डेटा विल आल्सो बी केप्ट एट योर होम एंड आल्सो योर ऑफिस एंड इफ यू आर सिटिंग एट ऑफिस यू वांट टू कीप अ सर्टेन डेटा ऑन ऑल दीज थ्री डिवाइसेज यू कैन डू दैट और इफ यू आर सिटिंग एट होम यू कैन डू दैट। सो अब देखें अब जब ऑफिस में आप बैठे होंगे तो आप किस किस्म का डेटा डील कर रहे होंगे, जहरी बात है वो ऑफिशियल डेटा होगा, कॉन्फिडेंशियल डेटा होगा। और बिल्कुल उस केस की तरह अगर आप किसी इंतहाई प्राइवेट और कॉन्फिडेंशियल सिस्टम पे काम कर रहे हैं तो उसके अंदर ऐसे लोगों की पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो सकती है जिसमें नेम, एड्रेसेस, फोन नंबर हो सकते हैं। अब आप ऑफिस में बैठे हैं और आप चाहते हैं कि आपका काम अभी कंप्लीट नहीं हुआ एंड इफ डेडलाइन इज अप्रोचिंग you should take that data to home, so you will put it on iCloud and that data will automatically go to your system at home and to your mobile as well. to ab dekhe aap ko personal data teen jagahon par share kar rahe hain aur in teen jagahon pe agar koi banda in teen cheez devices ke ko access kar leta hai, koi aapka personal, aapka friend, aapka family member, आपका कोई क्लोज वन अगर इसको एक्सेस कर लेता है तो आपने ऑफिशियल डेटा रखा तो वो डेटा एक्सेस हो रहा है जो कि कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ है। सिमिलरली इफ यू आर सिटिंग एट होम और आप घर के अंदर अपनी पर्सनल चीजें डील कर रहे हैं जिसके अंदर कोई वेडिंग के फोटोज हैं, फैमिली के फोटोज हैं, फैमिली का कोई अदर मटेरियल है, फैमिली डॉक्यूमेंट्स हैं, तो आप उनके ऊपर इफ यू आर वर्किंग ऑन दैम और इफ यू आर सेविंग दैम ऑन योर कंप्यूटर एंड बाय मिस्टेक और इवन नॉट बाय मिस्टेक मे बी डेलिबरेटली यू पुट दैट ऑन आई क्लाउड, अब वो डेटा आपके मोबाइल में भी चला जाएगा, आपके जो सिस्टम है ऑफिस में उस पर भी चला जाएगा। अब ये प्राइवेट डेटा आपका अपना प्राइवेट डेटा है जो कि आपने घर बैठ के डील करते हैं घर वाले कंप्यूटर पे, तो वो इन तीन डिवाइसेस पे चला गया। अब ऑफिस में कोई बंदा आपका कंप्यूटर यूज कर सकता है और इसको मिस यूज कर सकता है। सिमिलरली आपके मोबाइल पे भी आ गया तो आपका कोई फ्रेंड या कोई और जानने वाला अगर आपके मोबाइल को एक्सेस करता है तो वो इन चीजों को भी एक्सेस कर सकता है। और मोबाइल तो
खो भी सकते हैं, और अक्सर ये तो बहुत ही कॉमन है हम लोगों में कि हम मोबाइल गुम कर देते हैं, या कहीं पे जाते हैं शॉपिंग के लिए वहाँ खो जाता है, या कहीं गिर सकता है रास्ते के अंदर. तो समबडी कैन पिक अप दैट मोबाइल एंड कैन हैव एक्सेस टू दैट डेटा विच वॉज योर प्राइवेट डेटा, वेदर यू स्टोर्ड इट फ्रॉम योर होम इट विल योर प्राइवेट डेटा, वेदर यू स्टोर्ड इट फ्रॉम योर ऑफिस इट्स ऑल्सो प्राइवेट डेटा. तो अब ये न्यू टेक्नोलॉजीज के साथ, जिस तरह आई क्लाउड की मैंने एग्जाम्पल दी, ये कोई बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी नहीं है आई क्लाउड, ये इसको आए हुए कम से कम 4-5 साल ही हुए, 2007-8 में इंट्रोड्यूस हुई थी. तो अब इसको आए हुए इतना अर्सा नहीं हुआ और इसके देखिए कितने इश्यूज हैं. तो जिस तरह हमने पिछली स्लाइड में देखा कि अब इनको रेसिप्रोकली हैंडल किया जा रहा है, कि जैसे ही कोई इशू आता है फिर एक लॉ बना दिया जाता है. अब आई क्लाउड के इश्यूज आए हैं, जिस तरह इश्यूज मैंने आपसे डिस्कस किए, तो फिर हमें लॉज बनाने पड़ेंगे कि एथिकली क्या चीज करेक्ट है कि हम अपने कॉन्फिडेंशियल डेटा को किस तरह सेव करें. अच्छा, अब ये इसमें पाम पायलट्स वो होते हैं जिस तरह आपके आईफोन है, गैलेक्सी है, या आपके टेबलेट्स हैं, आपने देखे होंगे वो काफी बड़े साइज के टेबलेट्स होते हैं. वो टेबलेट्स जो हैं वो एज ए फोन भी यूज हो जाते हैं, एज ए कंप्यूटर भी यूज हो सकते हैं. तो एनी थिंग विच यू कुड कैरी एट योर पाम दैट्स कॉल्ड पाम पायलट्स. पर्सनल कंप्यूटर्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, डेस्कटॉप और लैपटॉप्स, बिकॉज दे आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द इंटरनेट. इसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर्स भी हैं, जो कि मेन फ्रेम कंप्यूटर्स की मिसाल मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में दी थी कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो होती हैं वो अपने सेंट्रल डेटा को रखने के लिए मेन फ्रेम कंप्यूटर यूज करते हैं, जिस तरह मैंने एक PEIA की मिसाल दी थी, या और एयरलाइन कंपनीज हैं. तो वो अपना सेंट्रल डेटा जो होता है, बुकिंग रिलेटेड डेटा या पैसेंजर रिलेटेड डेटा, दे कीप दैट इन अ सेंट्रल सर्वर. नाउ दैट सेंट्रल सर्वर हैज टू बी ह्यूज, बिकॉज इट विल नॉट ओनली इट शुड नॉट ओनली हैव हाई स्टोरेज, बिग स्टोरेज, बट इट शुड ऑल्सो हैव हाई कैपेबिलिटी ऑफ डीलिंग विद लॉट ऑफ ट्रैफिक. कि अब वो सर्वर सेंट्रल सर्वर होगा एयरलाइन कंपनी का किसी एक सिटी के अंदर. अब बाकी सिटीज में जितने भी बुकिंग ऑफिसेज हैं, व्हेन दे वांट टू बुक अ सीट, दे विल गेट देमसेल्व्स कनेक्टेड विद दैट सेंट्रल सर्वर, और वहां से वो सीट को देखेंगे. क्योंकि सेंट्रल एक तो होनी चाहिए कि जिसके अंदर अप टू डेट इन्फॉर्मेशन हो. फॉर एग्जाम्पल सीट नंबर 30 है, 30F है फॉर एग्जाम्पल. अब ये 30F जो है वो कराची से किसी ने बुक कर लिया, तो अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो आधे घंटे बाद अगर मैं बुक करवाना चाहूंगा मुल्तान से या इस्लामाबाद से, तो 30F अगर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन नहीं होगी तो 30F खाली नजर आएगी, तो मैं इस्लामाबाद से भी बुक कर लूंगा. अब देखिए 30F दो जगह से बुक होगी, लेकिन अगर एक सेंट्रल मेन फ्रेम कंप्यूटर मौजूद है तो वो अपडेटेड इन्फॉर्मेशन रखेगा. अगर आधा घंटा पहले कराची से 30F बुक हो गई है तो मैं इस्लामाबाद से नहीं कर सकूंगा. सिमिलरली अगर आप ATM सिस्टम्स भी देखें, ये बैंकिंग सिस्टम्स, दे ऑल्सो हैव मेन फ्रेम कंप्यूटर्स एट सेंट्रल प्लेसेस सच एज इन पाकिस्तान, बिकॉज आई हैव ऑल्सो वर्कड इन अ बैंक एज वेल, सो आई हैव सम गॉट सम काइंड ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. तो मैं जानता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर MCB जो है वो डील करती है तमाम वन लिंक ATMs को. तो इसका मतलब है तमाम बैंक्स जो हैं वो अपने अकाउंट्स के इंफॉर्मेशन MCB के पास, एक सेंट्रल स्टोरेज सिस्टम है जो कि एक मेन फ्रेम कंप्यूटर है, उसके अंदर रखते हैं. तो फिर आप ATM चाहे कि कोई भी बैंक वाला हो, आप बल्कि किसी और बैंक के ATM से भी अपने पैसे विदड्रॉ करवा सकते हैं, तो उसमें आपको अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, यानी आपके अकाउंट में जितने पैसे हैं वो एग्जैक्टली सेम मिलते हैं. चाहे आपका बैंक का अकाउंट अगर अभी बैंक है, आप चाहे अभी बैंक के ATM को यूज करें या आस्करी बैंक के ATM को यूज करें, आपको पता चल जाता है कि आपका एग्जैक्टली बैलेंस एट दैट टाइम क्या है. तो ये कैसे पता चला है? ये मेन फ्रेम कंप्यूटर मौजूद है जिसके अंदर अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है आपके अकाउंट की. अब देखिए मेन फ्रेम कंप्यूटर भी, बिकॉज नाउ अ डेज दे आर कनेक्टेड थ्रू साइबर टेक्नोलॉजी, सो इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. इट्स नॉट ओनली फॉर कॉमन पीपल बट इट्स ऑल्सो फॉर ऑर्गेनाइजेशन एज वेल, बिकॉज कॉमन जो लोग हैं जिस तरह हम हैं, हमारा तो काम पाम पायलट्स के साथ या मोबाइल्स के साथ या डेस्कटॉप और कंप्यूटर्स के साथ है, लेकिन जो बिग ऑर्गेनाइजेशन हैं उनके हम मेन फ्रेम के साथ, जो कि ऑल्सो कनेक्टेड विद द साइबर टेक्नोलॉजी. सो एवरीबॉडी
whether it's an organization or a common person who is connected with the cyber technology should take care of these cyber ethics. Okay, जी, network devices can be connected directly to the internet. जिस तरह हमने पहले बात की, they also can be connected to other devices through one or more privately owned computer networks as well. अब सिर्फ इंटरनेट के थ्रू ही आप कनेक्टेड नहीं होते, बल्कि प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स भी होते हैं जिसके थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर एक ऑर्गेनाइजेशन है तो उसके अंदर नॉर्मली लैन और वैन होता है, ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क या वाइड एरिया नेटवर्क होता है. उसके अंदर क्या होता है कि राउटर्स होते हैं और उनके थ्रू आप कनेक्टेड होते हैं. तो ये एक एक मिसाल है कि सिर्फ आप इंटरनेट के थ्रू नहीं कनेक्ट हो सकते, बल्कि लैन और वैन के थ्रू भी हो सकते हैं. और इसकी एक और मिसाल ये भी है, अगर आपने डोंगल्स देखी हूँ, डोंगल्स होती हैं जो कि आजकल PTCL ने इंट्रोड्यूस करवाई हैं, USBs विंगल्स अगर आपने देखी हो, तो वो USB विंगल्स जो होती हैं वो आपको कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती हैं, लेकिन वो कनेक्टिविटी होती है थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी. अब मोबाइल टेक्नोलॉजी हैज़ गॉट इट्स ओन स्पेस, वो इंटरनेट के थ्रू नहीं, लेकिन मोबाइल टेक्नोलॉजी होती है, उस मोबाइल टेक्नोलॉजी के थ्रू आप उस विंगल को यूज़ करते हुए बहुत सारे फीचर्स यूज़ कर सकते हैं जो कि आपके जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, विंगल के केस में PTCL सर्विस प्रोवाइडर, उनके कंप्यूटर के साथ आप कनेक्टेड हो जाते हैं थ्रू वायरलेस टेक्नोलॉजी, थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी, एंड देन यू कैन यूज मल्टीपल एप्लीकेशन विच आर स्टोर्ड ऑन द PTCL सर्वर. फॉर एग्जाम्पल, नॉर्मली तो लोग इसको सिर्फ इंटरनेट के लिए यूज करते हैं, लेकिन इसके अंदर और भी बहुत सारी ऑफर्स हैं जो कि वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके अंदर आप TV भी यूज कर सकते हैं, आप स्टोर्ड प्रोग्राम्स यूज कर सकते हैं, स्टोर्ड वीडियोज यूज कर सकते हैं, और इसके अलावा आप सोशल नेटवर्किंग के भी मटेरियल जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं PTCL की वेबसाइट. तो मतलब ये है, PTCL के सर्वर से, सॉरी, तो मतलब ये है कि आपका कंप्यूटर जिसके साथ आपने विंगल लगाई, इट विल गेट कनेक्टेड विद द PTCL कंप्यूटर थ्रू मोबाइल टेक्नोलॉजी. तो सिर्फ इंटरनेट के साथ ही कनेक्शन नहीं होता, बल्कि लैन और वैन के साथ भी हो सकता है, मोबाइल टेक्नोलॉजी के साथ भी हो सकता है, और इसके अलावा प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स भी होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं. तो वो ये सब भी साइबर टेक्नोलॉजी में ही आएंगे. प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स इंक्लूड बोथ लोकल एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क, जिस तरह अभी मैंने पहले आपको बता दिया. ओके, व्हाई द टर्म साइबर एथिक्स. अब इसको साइबर एथिक्स क्यों कहा जाता है? साइबर एथिक्स इज अ मोर एक्यूरेट लेबल देन कंप्यूटर एथिक्स, व्हिच माइट सजेस्ट द स्टडी ऑफ एथिकल इश्यू लिमिटेड कंप्यूटर मशीन्स और टू कंप्यूटर प्रोफेशनल्स. अब मैंने जिस तरह पहले बात की लेक्चर के स्टार्ट में कि कंप्यूटर एथिक्स जो है वो तो सिर्फ कंप्यूटर रिलेटेड होंगे और वो जनरल एथिक्स होंगे. तो कुछ लोगों ने साइबर एथिक्स को शुरू में कंप्यूटर एथिक्स का नाम देने की कोशिश की, लेकिन ये उसको जस्टिफाई नहीं करता, क्योंकि कंप्यूटर एथिक्स तो एज ए प्रोफेशनल व्हेनेवर यू आर डीलिंग विद अ कंप्यूटर यू हैव गॉट सम मॉरल ऑब्लिगेशंस टू डू दैट. लेकिन साइबर एथिक्स जो है वो मोर रिलेटेड टर्म है, क्योंकि साइबर का जो अम्ब्रेला है वो बहुत ब्रॉड है, उसके अंदर बहुत सारी टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, उसमें मोबाइल टेक्नोलॉजीज आ जाती हैं, लैन वैन आ जाती है, इंटरनेट टेक्नोलॉजी आ जाती है, या कोई प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स आ जाते हैं. अब अगर हाँ आप इसको सिर्फ कंप्यूटर एथिक्स कहेंगे, तो कंप्यूटर की एक बिल्कुल अलग एक बहुत बड़ी फील्ड है, उसके अंदर फिर साइबर कहीं खो जाएगा, साइबर टेक्नोलॉजी. अब मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देता हूँ कि शुरू में इसको कंप्यूटर एथिक्स के अंदर ही साइबर एथिक्स को डिफाइन कर लिया जाता था, उनको साइबर एथिक्स का नाम नहीं दिया जाता था, लेकिन उनको कंप्यूटर एथिक्स के अंदर ही शामिल करते थे. और वो क्यों करते थे? क्योंकि 90s में इंटरनेट वॉज नॉट दैट पॉपुलर, इसकी पॉपुलैरिटी इतनी नहीं होती थी जितनी आजकल है, और उस दौर में बहुत ही कम कंट्रीज ऐसी थीं जिनके पास इंटरनेट टेक्नोलॉजी थी फर्स्ट ऑफ ऑल, और फिर उनके यूजर्स भी इतने नहीं थे जितने के आज हैं. तो ये जितनी बूम आई है वो 21st सेंचुरी के स्टार्ट में ही आई है, और ये लास्ट 10 और 15 ईयर्स में ही आई है. तो शुरू में शुरू में जब इतने प्रॉब्लम नहीं थे, तो उसके लिए फिर जाहिर बात है रेसिप्रोकल लॉज भी नहीं थे,
तो लेकिन जब ये बूम आना शुरू हुआ है 2000 के बाद, तो उसके बाद देन पीपल स्टार्टेड रियलाइजिंग दैट दिस इज इटसेल्फ अ वेरी बिग फील्ड, साइबर एथिक्स. सो वी शुड डिफाइन ओनली एथिकल रूल्स फॉर साइबर टेक्नोलॉजी व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट साइबर एथिक्स, बिकॉज फॉर कंप्यूटर प्रोफेशनल देर आर सम अदर सर्टन लॉस, बट फॉर दिस ह्यूज फील्ड विच विल बिकम इवन बिगर विद द पैसेज ऑफ टाइम, वी शुड डिफाइन सम सेपरेट लॉस. तो इसी वजह से उसको कंप्यूटर एथिक्स के अम्ब्रेला से निकालकर उसको साइबर एथिक्स की एक सेपरेट फील्ड बना दी गई. It is more accurate than internet ethics as well, which is limited only to ethical issues affecting computer networks. अब इसको इंटरनेट एथिक्स भी नहीं कह सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको मोबाइल टेक्नोलॉजी की भी मिसाल दी है. अब मोबाइल टेक्नोलॉजी में मैंने ईवो विंगल की बात की है. अब वो इंटरनेट के थ्रू कनेक्टेड नहीं होती, बल्कि वो पीटीसीएल के मोबाइल नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होती है उनके सर्वर्स के साथ. और ईवो विंगल में एक और चीज भी है कि ईवो विंगल के अंदर यू कैन ऑल्सो गेट कनेक्टेड विद फाइव अदर कंप्यूटर्स. अब देखें, वो एक आप यूएसबी लगा लें तो पांच और कंप्यूटर्स आपके यूएसबी के साथ अटैच हो जाएंगे. अब वो अटैच कैसे हुए हैं? वो एक वायरलेस टेक्नोलॉजी के थ्रू अटैच हुए, इंटरनेट के थ्रू अटैच नहीं हुए, या किसी और लैन वैन के थ्रू अटैच नहीं हुए. तो अब उसमें लैन वैन भी आ जाता है और मोबाइल नेटवर्क भी आ जाता है. तो ये सिर्फ अगर हम इंटरनेट ही कह दें वो भी गलत है, सिर्फ कंप्यूटर एथिक्स कह दें वो भी गलत है. ओके, समरी ऑफ फोर फेजेस ऑफ साइबर एथिक्स. तो साइबर एथिक्स स्टार्ट कहां से हुए, या अगर हम देखें तो बेसिकली तो ये स्टार्ट हुए हैं लास्ट 10-15 ईयर्स में, लेकिन इनकी इम्प्लीकेशन जो कि रियलाइज नहीं की गई शुरू में, वो कब से स्टार्ट हुई. जिस तरह अगर हम 50s to 60s देखें, तो उसमें टेक्नोलॉजी में स्टैंड अलोन मशीन्स होती थी, लार्ज मेन फ्रेम कंप्यूटर्स होते थे. मैंने आपको बताया था कि ये स्मॉल कंप्यूटर्स नहीं होते थे उस दौर में, सिर्फ मेन फ्रेम कंप्यूटर होते थे, और 60s के एंड में मिनी कंप्यूटर्स भी होते थे, एंड दे वर ऑल्सो वेरी बिग कंप्यूटर्स. एंड अदर देन मेन फ्रेम देर वर सम सुपर कंप्यूटर्स. तो उस टाइम पे क्या इश्यूज आ सकते थे? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटाबेस प्राइवेसी. इसको बिग ब्रदर इशू भी कहा जाता था, डेटाबेस प्राइवेसी का. अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उस दौर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बहुत डिबेट हुआ करती थी 50s 60s में, जब मेन फ्रेम कंप्यूटर्स ने अपनी कैपेबिलिटीज शो की कि वो कितनी प्रोसेसिंग कर सकता है. और उस दौर में जब उसके थ्रू डिफरेंट सिमुलेशंस शुरू हुई, तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें बना सकते हैं जो कि ह्यूमन के लिए हार्मफुल हो सकती हैं. आप ऐसे अगर उस दौर की आप इवन फिक्शनल मूवीज भी उठा के देखें, जिसमें शुरू की फिक्शनल मूवीज के अंदर स्पेस पैसेज या स्पेस वॉयज का जिक्र किया जाता था, और उसके अंदर स्टार वॉर्स जैसी मूवी होती थी, तो इन चीज़ों को ही टारगेट करते थे कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल होना शुरू हो गई, तो उसके थ्रू ऐसी बहुत सारी चीज़ें दुनिया में मशीन रिलेटेड क्रिएट कर दी जाएंगी जो कि ह्यूमैनिटी के लिए खतरा हो सकती हैं. अच्छा, फिर इसी तरह 70s 80s में मिनी कंप्यूटर्स और पीसीज इंटरकनेक्टेड वाई प्राइवेटली ओन्ड कंप्यूटर्स नेटवर्क सॉरी स्टार्ट होना शुरू हुए. तो उसके अंदर इश्यूज किस तरह के आने शुरू हुए? फ्रॉम फेज वन, एक तो इश्यूज फ्रॉम फेज वन यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटाबेस प्राइवेसी के इशू थे. उसके अलावा कंसर्न्स इन्वॉल्विंग इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सॉफ्टवेयर प्राइवेसी, पायरेसी, कंप्यूटर क्राइम, प्राइवेसी एंड द एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स. उसके अंदर यानी इस तरह के इश्यूज आने शुरू हुए कि जिसके अंदर चूंकि नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते थे मेन फ्रेम और मिनी कंप्यूटर्स, तो जब नेटवर्क के थ्रू आप जब भी कनेक्टेड होंगे, तो आपके इस तरह के इश्यूज आएंगे जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वायलेशन, या सॉफ्टवेयर पायरेसी की, या कंप्यूटर क्राइम की. अब यानी जब नेटवर्क आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो फिर आपका डेटा भी आपस में शेयर होता है. तो जब डेटा शेयर होता है, तो ऐसा डेटा भी इंट्रूडर उठा सकता है जो कि आप उसके साथ शेयर नहीं कर. कैसे उसे उठा सकता है? जब आप एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्टेड होते हैं, तो अगर आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हैं या हैकर हैं, बाय द वे हैकिंग होता है कि आप किसी और के कंप्यूटर के अंदर विदाउट देयर परमिशन आप इंट्रूड करें और वहां से किसी मटेरियल को एक्सेस करें, तो इसे हैकिंग कहते हैं. हमारे फ्यूचर के कुछ लेक्चर्स हैकिंग पर भी होंगे. तो हैकिंग के इश्यूज तब
तभी आते हैं जब आपकी कनेक्टिविटी, और 70s 80s में प्राइवेटली ओन्ड नेटवर्क्स बहुत ज़्यादा होते थे, लैन वैन बहुत होते थे, तो उसके अंदर कंप्यूटर्स कनेक्टेड होते थे। तो एक तो ये इशू आता था, फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी आता था कि अगर आपने कोई काम लिख के रखा है जो कि आपका पर्सनल काम है एंड यू हैव स्पेंड आवर्स ऑन इट, यू हैव स्पेंड योर ब्रेन ऑन इट, तो अगर इफ समबडी एल्स पिक्स दैट अप एंड राइट्स देयर ओन नेम एंड देन क्लेम दैट दिस इज देयर वर्क, तो इसे कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। हमने लास्ट लेक्चर्स में इसके ऊपर बात भी की थी कि आप किसी और के काम को प्लेजराइज कर दें। तो इस तरह के इश्यूज भी तभी आते हैं जब कनेक्टिविटी हो नेटवर्क्स के थ्रू, और फिर उसमें कंप्यूटर क्राइम, प्राइवेसी एंड एक्सचेंज ऑफ रिकॉर्ड्स भी आता है। अब इसके अंदर यहाँ पर मैं आपको मेंशन करता चलूँ कि उस दौर में एक इशू ये भी आया था कि ये 88 की बात है, तो चले मैं आपको एक इंसिडेंट बताता चलूँ। अगर आप इंटरनेट पे ऊपर जाकर इसको सर्च करेंगे तो यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ मटेरियल अबाउट इट ऑन गूगल एज वेल, कि दुनिया में जो सबसे पहला वायरस था वो दो पाकिस्तानी कंप्यूटर प्रोफेशनल थे, उन्होंने इंट्रोड्यूस किया था। अब उनका मकसद मलेशियस नहीं था एंड उनका मकसद बुरा नहीं था, क्योंकि उन्होंने जो वायरस बनाया था वो इसलिए बनाया था 88 में कि उन्होंने एक मेडिकल सॉफ्टवेयर बनाया। अब ये मैं बात आपको इसलिए कर रहा हूँ कि इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर पायरेसी की बात आई। सॉफ्टवेयर पायरेसी की सबसे बड़ी एग्जांपल वही है 88 वाली, कि उन्होंने एक मेडिकल सिस्टम बनाया और वो सिस्टम उन्होंने यहाँ पर कुछ हॉस्पिटल्स को भी दिया और कुछ अमेरिकन और यूरोपियन हॉस्पिटल्स को भी दिया। अब यहाँ के हॉस्पिटल्स में तो वो चेक लगा सकते थे या देख सकते थे कि कहीं वो पायरेट तो नहीं हो रहा। पायरेसी बाय द वे होती क्या है कि व्हेन यू मेक अ कॉपी ऑफ अ सॉफ्टवेयर विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम देयर ओनर, एंड क्योंकि जब आप कोई सॉफ्टवेयर किसी ऑर्गेनाइजेशन से खरीदते हैं तो वो आपको साथ ही बताते हैं कि आप जितनी कीमत इस सॉफ्टवेयर की दे रहे हैं इस कीमत में या तो आप इसकी सिर्फ एक कॉपी बना सकते हैं या इसकी सर्टन कॉपीज बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसकी सिर्फ 10 या 100 कॉपी बना सकते हैं और सिर्फ अपनी ऑर्गेनाइजेशन में दे सकते हैं या अपने रिलेटेड ऑफिस में दे सकते हैं, अपने रिलेटेड आउटलेट्स में दे सकते हैं, लेकिन आप इसको किसी और ऑर्गेनाइजेशन को बेच नहीं सकते, क्योंकि आप अगर ऐसा करना चाहते हैं तो उसके लिए डिफरेंट प्राइस है। लेकिन अगर आप विदाउट द ऑनर्स परमिशन अगर आप उसकी कॉपीज बनाकर बाकी लोगों को करें बेचें तो इसे कहा जाता है पायरेसी। अगर बेचें ना भी, अगर आप उनको इस्तेमाल करने के लिए दे दें तो इसे पायरेसी कहा जाता है। तो पाकिस्तान में तो इसका इतना ख्याल नहीं रखा जाता। अगर आप विंडोज की सीडी खरीदना चाहते हैं या किसी सॉफ्टवेयर की, यू कैन सिंपली गो टू मार्केट एंड परचेज इट इन 100 रुपीज, बट इन यूरोपियन कंट्रीज एंड इन अमेरिका, कैनेडा एंड ऑस्ट्रेलियन कंट्रीज, इन द डेवलप्ड कंट्रीज देर आर वेरी स्ट्रिक्ट लॉज एंड यू कैन बाय दोज सॉफ्टवेयर फॉर ओनली योर सेल्फ, यू कैन नॉट गिव इट टू योर फ्रेंड्स और टू अदर ऑर्गेनाइजेशन और टू अदर रिलेटेड पीपल, यू कैन ओनली यूज वन कॉपी That is registered to you. तो अब उन लोगों ने क्या किया, उनका नाम by the way अलवी ब्रदर्स था एंड they still have got a software house in लाहौर। उन्होंने अपने उस मेडिकल सिस्टम को सेव करने के लिए they made a virus. Basically they didn't make a virus, they made a program. उसको वायरस, बाद में लोगों ने उसको वायरस बुलाना शुरू किया। तो उन्होंने उसमें एक प्रोग्राम बनाया कि इसकी जब भी कोई इलीगल कॉपी होगी, यानी सॉफ्टवेयर पायरेसी होगी, तो ऑटोमेटिकली जो बंदा भी इसकी इलीगल कॉपी बनाएगा उसका पूरा कंप्यूटर शट डाउन हो जाएगा और उसका तमाम रिकॉर्ड उड़ जाएगा, डिलीट हो जाएगा, उसकी हार्ड ड्राइव खराब हो जाएगी। अब ऐसा हुआ कि उन्होंने जब ये अच्छा उन्होंने साथ में, क्योंकि बिकॉज दे डिडंट हैव मलिशियस पर्पस इन देयर माइंड, बुरा मकसद नहीं था, देयर इंटेंशंस वर राइट, तो उन होता यूं था कि जब भी कोई उसको दूसरा बंदा कॉपी करता था जो कि अनऑथराइज्ड होता था तो उसका सिस्टम एक तो शट डाउन हो जाता था, क्लोज हो जाता था, उसकी हार्ड ड्राइव स्टक हो जाती थी, और साथ ही ये मैसेज आ जाता था कि बिकॉज यू आर मेकिंग एन इलीगल कॉपी दैट्स व्हाई योर सिस्टम इज बीइंग शटिंग डाउन। तो ये वो बताते थे और साथ में नीचे नाम भी दिया होता था डेवलपर्स का कि अलवी ब्रदर्स हैं और हमारा ये ऑफिस है और ये फोन नंबर है, सब कुछ डिटेल, क्योंकि वायरस में तो लोग ऐसा नहीं करते, तो उनका मकसद वायरस नहीं था। एनीवे
वो फिर अमेरिका में जब उन्होंने वो अपना सॉफ्टवेयर सेल किया तो वहाँ पर कुछ लोगों ने उसकी पायरेसी करने की कोशिश की और उनके कंप्यूटर स्टक हो गए, तो उन्होंने कंप्लेन करनी शुरू कर दी और ये बात गवर्नमेंट लेवल तक भी चली गई और ये बहुत फेमस हो गया, उनके अखबारों में आना शुरू हो गया कि पीपल फ्रॉम पाकिस्तान दे हैव सेंट सम काइंड ऑफ अ वायरस टू अमेरिका विच इज़ अफेक्टिंग अमेरिकन कंप्यूटर्स। और आपको मज़े की बात बताऊं कि उसमें मैकेफी एंटीवायरस जो सॉफ्टवेयर है, जो कि इस टाइम काफ़ी फेमस सॉफ्टवेयर है, ये सिर्फ उस वायरस के रिस्पॉन्स में बनाया गया था जो अलवी ब्रदर्स का वायरस था 88 में। तो ये बना था अराउंड 90 बना था, या 89-90 में मैकेफी बना था, तो ये उसके रिस्पॉन्स में बनाया गया था। एनीवे अब वहाँ से, और मज़े की बात ये है कि वहाँ से वायरस का लव स्टार्ट हुआ 88 से, और फिर दुनिया में बहुत सारे लोगों ने फिर बाद में वायरस बनाया, एंड मोस्ट ऑफ देम वर मेड विद द बैड इंटेंशंस, विद मलिशियस पर्पसेस। तो अब ये इशू कब आता है जब पायरेसी सॉफ्टवेयर का, कि जब आप अपना मटेरियल दूसरे कंप्यूटर्स के साथ शेयर करते हैं। तो 70s और 80s में देर वाज अ लॉट ऑफ नेटवर्किंग बिटवीन द कंप्यूटर्स, सो देन देर वाज एक्सचेंज ऑफ डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर्स एंड ऑल्सो द एक्सचेंज ऑफ डेटा थ्रू CDs और थ्रू अदर ड्राइव्स, थ्रू हार्ड डिस्क और थ्रू फ्लॉपी डिस्क। आपने फ्लॉपी डिस्क का शायद नहीं सुना होगा, पुराने वक्तों में फ्लॉपी डिस्क भी होती थी जिसमें आप डेटा एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे। तो वो डेटा जब एक्सचेंज होना शुरू हुआ तो उसमें ये सारे इश्यूज आने शुरू हुए। फिर उसके बाद 1990s टू प्रेजेंट, अब तक फिर 1990 से लेकर अब तक इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब आना शुरू हो गया, WWW आना शुरू हुआ। उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज है जिसमें फेज वन और फेज टू के भी इश्यूज थे जो हमने पहले डिफाइन किए, और इनके अलावा इश्यूज थे अबाउट फ्री स्पीच, एनोनिमिटी, लीगल ज्यूरिस्डिक्शन, वर्चुअल कम्युनिटीज एट्सेट्रा। इनको मैं डिफाइन करता हूँ। अबाउट फ्री स्पीच, अब जारी बात है इंटरनेट के ऊपर जब हर तरह के लोग बैठे होंगे फ्रॉम ऑल सेक्ट्स एंड ऑल रिलीजियस बैकग्राउंड, ऑल नेशनल बैकग्राउंड, देन दे विल टॉक सच थिंग्स। मैंने जिस तरह लेक्चर के शुरू में कहा कि विच कुड हर्ट अदर पीपल और अदर पीपल सेंटिमेंट्स, तो उसमें फिर फ्री स्पीच का इशू आया। तो इस पे काफ़ी डिबेट हुई 90s में भी, और अभी तक डिबेट चल रही है बाय द वे। आपका जो पाकिस्तान में यूट्यूब अभी भी नहीं चल रहा, इस टाइम तक तो नहीं चल रहा, मे बी व्हेन यू आर लिसनिंग टू दिस लेक्चर मे बी यूट्यूब बैन हैज बिन लिफ्टेड, बट बाय नाउ यूट्यूब इज नॉट वर्किंग इन पाकिस्तान, एंड दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू, फ्री स्पीच के इशू के अंदर, कि जब कोई बंदा बात करता है वो अगर किसी और के रिलीजन के खिलाफ है या और के पॉलिटिकल व्यूज के खिलाफ है तो क्या वो फ्री स्पीच में आता है या नहीं आता। अब फ्री स्पीच डेवलप्ड कंट्री में कहा जाता है कि फ्री स्पीच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एवरीबॉडी शुड हैव अ राइट टू से वट एवर दे वॉन्ट टू से, लेकिन हमारी कंट्रीज में इस चीज़ को नहीं माना जाता, और बिल्कुल ठीक है, मानना भी नहीं चाहिए। कि फ्री स्पीच के अंदर लोग बहुत सारी चीज़ों को मिसयूज़ करते हैं और वो बहुत सारी ऐसी बातें करते हैं जो कि अदर पीपल्स के सेंटिमेंट्स को मजरूह करते हैं और उनको हर्ट करते हैं। तो फ्री स्पीच कितनी होनी चाहिए, उसके अंदर क्या लिमिटेशंस होनी चाहिए, और क्या फ्री स्पीच अलाउ होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो इसके ऊपर इश्यूज डिबेट होनी शुरू हुई जब इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब इंट्रोड्यूस हुआ। ओके, एनोनिमिटी। अब एनोनिमिटी भी बहुत सारे लोग यूज़ करते हैं जब इंटरनेट पे आते हैं। अभी तो चूंकि सोशल मीडिया के ऊपर लोगों का काफ़ी ट्रस्ट आ गया है, और लोग अगर आप देखें फेसबुक के ऊपर अपनी बिल्कुल एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, अपने नाम, एड्रेसेस, फ़ोन नंबर सब सही लिखते हैं। लेकिन अर्ली व्हेन इंटरनेट वाज स्टार्टिंग इन द 90s और इन अर्ली 2000, पीपल डिड नॉट यूज टू शेयर देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, दे वुड नेवर टेल यू देयर करेक्ट नेम। तो उस दौर के अंदर जो इस तरह की वेबसाइट्स होती थी जिसके ऊपर आप एक दूसरे से बात करते थे, फोरम्स होते थे, ब्लॉग्स होते थे, या चैटिंग सर्वर्स होते थे जिसके अंदर आप लोगों से चैट कर सकते हैं, तो पीपल यूज टू कंसील देयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन एंड दे यूज टू रिमेन एनोनिमस। ठीक है, वो अपनी इन्फॉर्मेशन नहीं बताते थे। अब वहाँ पर ये इश्यूज रेज होने शुरू हुए कि क्या एनोनिमिटी करेक्ट है या रॉन्ग है, और क्या एनोनिमिटी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और एनोनिमिटी कितनी होनी चाहिए।
और अगर एक बंदा एनोनिमस है और दूसरा बंदा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा है, तो इसकी क्या इम्प्लिकेशंस हो सकती हैं? अब ऐसा हो सकता है जो बंदा एनोनिमस है मे बी उसकी बैड इंटेंशंस, और जो बंदा अपनी सारी इन्फॉर्मेशन बता रहा है वो विक्टिम बन सकता है फ्यूचर में किसी किसी प्रॉब्लम का, जो कि एनोनिमस बंदा उसके ऊपर इन्फ्लुएंस कर सकता है। तो देर वर दीज काइंड ऑफ इश्यूज, देर वर दीज काइंड ऑफ डिबेट्स दैट हाउ मच एनोनिमस अ पर्सन कैन रिमेन ऑन इंटरनेट और इंटरनेट रिलेटेड टेक्नोलॉजीज। इसी तरह लीगल जुरिस्डिक्शंस की भी बात होती है कि लीगली भी बहुत सारी चीज़ें हैं। व्हेन यू आर ऑन इंटरनेट यू आर शेयरिंग अ लॉट ऑफ मटेरियल विद अदर पीपल, एंड हाउ मच लीगल दैट मटेरियल इज। अब फॉर एग्जांपल आप कोई ऐसी चीज़ शेयर करते हैं इंटरनेट पे जो कि यहाँ पर तो लीगल है, किसी और कंट्री में वो इलीगल है, ठीक है? जिस तरह अभी फ्री स्पीच की बात की, वो डेवलप्ड कंट्रीज में तो लीगल है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करेंगे तो इट इज़ इलीगल फॉर अस। तो इस तरह की लीगल ज्यूरिसडिक्शन कितनी है, और इसके ऊपर इश्यूज, इस पे डिबेट होनी शुरू हुई कि क्या कोई ग्लोबल लीगल रूल्स होने चाहिए जो सबको फॉलो करने चाहिए, या अगर ग्लोबल नहीं होते पर्टिकुलर एरियाज के हैं देन देर विल बी मैनी इश्यूज सच एज आवर इशू, वो जो हमने अभी थोड़ी देर पहले फ्री स्पीच की बात की। इसी तरह वर्चुअल कम्युनिटीज, अब उससे वर्चुअल कम्युनिटीज बहुत सारी बननी शुरू हो गई, जिस तरह के बहुत सारे फोरम्स हैं, ब्लॉग्स हैं, जो कि एक पर्टिकुलर लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे ऐसी सोसाइटीज बनी हुई हैं इंटरनेट के ऊपर जो कि एक पर्टिकुलर रिलीजन, पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टीज, पर्टिकुलर इंटरेस्ट्स वाले लोग जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं और वो एक फोरम बना लेते हैं और उसके ऊपर चैटिंग करते हैं, एक दूसरे से आइडियाज एक्सचेंज करते हैं। अब उसके भी इश्यूज आ गए, क्या इस तरह की वर्चुअल कम्युनिटीज बननी चाहिए, और अगर बननी चाहिए तो उनके ऊपर कौन से लॉज होने चाहिए, कौन से एथिकल, मॉरल, लीगल लॉज होने चाहिए सो दैट दे कुड बी केप्ट इन चेक, सो दैट देर इज नो बैड एक्टिविटी गोइंग ऑन। तो अभी भी इससे बहुत सारे इश्यूज आजकल इसके ऊपर डिस्कस किए जा रहे हैं कि वर्चुअल कम्युनिटी को कितना अलाउ करना चाहिए एंड और उनको कितना बाउंड करना चाहिए। अब प्रेजेंट टू नियर फ्यूचर, अब हम बात करते हैं क्योंकि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब जो थी वो अब तक तो थी, और 2000, अब उसके साथ साथ बहुत सारी ओल्ड टेक्नोलॉजीज भी ऐड हो रही हैं जिसके अंदर कन्वर्जेंस ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज विद नैनो टेक्नोलॉजी रिसर्च एंड जेनेटिक एंड जीनोम रिसर्च। अब कंप्यूटर और इंटरनेट की पॉपुलैरिटी के बाद, और इसने जितनी पावर दी है कंप्यूटर ने और इंटरनेट ने, अब उसको लोग यूज करके नैनो टेक्नोलॉजी पे जा रहे हैं और जेनेटिक रिसर्च, जीनोम रिसर्च में जा रहे हैं। जेनेटिक रिसर्च में और जीनोम रिसर्च के अंदर क्या किया जा रहा है, क्लोनिंग का एक इशू आता है जो कि शायद आप लोगों ने सुना हो कि विद द हेल्प ऑफ डीएनए यू कैन मेक अ कॉपी ऑफ लिविंग बीइंग। फॉर एग्जांपल दे हैव परफॉर्म्ड द एक्सपेरिमेंट्स ऑन एनिमल्स दैट इफ यू टेक अ सैंपल ऑफ वन एनिमल यू कैन मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ दैट एनिमल। अगर आपने एक भेड़ का डीएनए लिया जो कि ये एक्सपेरिमेंट हो भी चुका है, और उस डीएनए की क्लोनिंग करके आपने एग्जैक्टली सेम भेड़ बना दी। अब एग्जैक्टली सेम से मुराद ये है कि अगर उस भेड़ का कलर वाइट या हल्का सा ब्लैक है, या उसकी एक सर्टन हाइट है, या उसकी जो उसके जो फर है अगर वो एक सर्टन तरीके का है, तो एग्जैक्टली सेम कॉपी क्लोनिंग के थ्रू बनेगी, जिसका कलर भी वैसा होगा, जिसकी हाइट भी वैसी होगी, एग्जैक्टली सेम होगी। अब इसके अंदर बहुत सारे इश्यूज आने शुरू हुए कि अगर इस तरह की जेनेटिक और जीनोम रिसर्च हो रही है तो मे बी इन द फ्यूचर दे विल स्टार्ट अप्लाइंग इट ऑन ह्यूमन बीइंग्स, दे माइट स्टार्ट मेकिंग क्लोनिंग, दे माइट स्टार्ट डूइंग क्लोनिंग ऑफ ह्यूमन एज वेल, एंड देन दे माइट मेक कॉपीज ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एज वेल, जो कि एथिकली कितना करेक्ट होगा, जहरी बात है, अगर एक बंदे की कोई कॉपीज बनेंगी तो उसके अंदर बहुत सारे मॉरल इश्यूज आएंगे, सोसाइटी रिलेटेड इश्यूज आएंगे। तो क्या ऐसी रिसर्च को अलाउ करना चाहिए, और अगर करना चाहिए तो किस हद तक करना चाहिए? तो इसमें इश्यूज कौन से आए हैं, आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक एजेंट्स, बॉट्स, बॉट्स कहते हैं रोबोट्स को, अब इसमें रोबोट्स भी बनाए जा रहे हैं,
जो कि जापान में बहुत ज़्यादा बनाए जा रहे हैं, तो अगर रिपोर्ट्स बनाए जाएं तो उन रिपोर्ट्स के अंदर थिंकिंग कैपेबिलिटीज़ कितनी रखनी चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको बिल्कुल ह्यूमन डिसीजन मेकिंग, अगर ह्यूमंस की डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी अगर आप बॉट्स को दे देते हैं, बॉट्स इज़ बाय द वे शॉर्ट फॉर रोबोट्स, अगर आप उनको दे देते हैं तो क्या वो इन द फ्यूचर कैन दे हर्ट ह्यूमन बीइंग्स? इसके ऊपर बहुत सारी फिक्शनल मूवीज भी बन रही हैं कि क्या वो इन्वेड करेंगे ह्यूमंस के ऊपर, ठीक है, अगर उनके अंदर डिसीजन मेकिंग की कैपेबिलिटी डाल दी जाए। और बायोनिक चिप इम्प्लांट्स, नैनो कंप्यूटिंग रिसर्च, बायोनिक चिप इम्प्लांट्स के अंदर क्या किया जा रहा है? फॉर एग्जांपल अभी मैं एक रिसेंट रिसर्च पढ़ रहा था इसके अंदर, कि उसके अंदर आप ह्यूमन बीइंग्स के अंदर चिप डाल सकते हैं और वो चिप ये देखेगी। वैसे तो वो अच्छे पर्पस के लिए थी कि आपका जो वेट होगा उसको अंडर चेक रखने के लिए, बिकॉज योर बॉडी कंज्यूम्स एवरी कैलोरी विच यू इनटेक। फॉर एग्जाम्पल वट एवर यू आर ईटिंग, योर बॉडी विल कंज्यूम एवरी कैलरी विच इज़ प्रेजेंट इन दैट फूड। तो उससे क्या होता है कि क्योंकि आजकल की लाइफ में तो फूड बहुत एक्सेसिव है, जिनके पास पैसा है तो वो हर तरह का फूड खरीद सकते हैं, खा सकते हैं। तो अगर हम 1-2 हज़ार साल पहले जाएं तो फूड की फरावानी इतनी नहीं होती थी पूरी दुनिया के अंदर, बिकॉज वहाँ पर जो हार्वेस्टिंग की या फसलें उगाने की जो टेक्नोलॉजी होती थी वो बहुत ही बेसिक होती थी, तो उससे इतनी फसल ही नहीं उगती थी, इतने फल फ्रूट ही नहीं उगते थे। लेकिन आजकल अगर आप देखें, देर इज़ अ लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज़ बीइंग यूज्ड इन द एग्रीकल्चर सेक्टर एज वेल, सो विद दैट टेक्नोलॉजी द प्रोडक्शन हैज़ इंक्रीज्ड। और अभी बहुत सारे स्प्रेज आ गए हैं जिससे आपकी फसल को कोई मसला नहीं होता, बहुत सारे खाद वगैरह आ गई हैं जिससे आपकी फसल बढ़ जाती है, जितनी आप पहले उठाया करते थे अब उससे आप 3 गुना 4 गुना उठाते हैं, जिसकी वजह से ये है कि अगर आप बाजार में जाएं तो फूड इज इन अबेंडेंस एंड यू कैन परचेज फूड इफ यू हैव गॉट मनी इजीली, जिसकी वजह से ओवर ईटिंग का कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा गया है। अब डेवलप्ड कंट्रीज में तो ये प्रॉब्लम बहुत ही महसूस किया जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम हमारे जैसे मुल्कों के अंदर भी आना शुरू हो गया, बिकॉज यू हैव गॉट मनी सो यू परचेज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड यू ईट अ लॉट ऑफ थिंग्स, तो वो जो कुछ आप खाते हैं तो बिकॉज एवरी कैलरी इन द फूड इज कंज्यूम्ड, दैट इज वाई फिर आपके अंदर ओबेसिटी आती है, यू यू स्टार्ट गेनिंग वेट, जिसकी वजह से आपको हार्ट रिलेटेड शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उसकी वजह से डिजीजेज बढ़ रही हैं। तो एक ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू एक ऐसी चिप बना ली गई है जो कि ह्यूमंस की अगर बॉडी के अंदर लगा दी जाए तो वो चिप क्या करेगी, वो इस चीज़ को मॉनिटर करेगी कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है। अगर आप इंटरनेट पे जाएं और अगर आप जाके सर्च करें कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज की ज़रूरत है, तो उसके अंदर एक मेटाबॉलिक रेट होता है, हर बॉडी का डिफरेंट होता है। तो अब ऐसे कैलकुलेटर्स मौजूद हैं इंटरनेट पे जो आपको बता देंगे कि आपकी हाइट के मुताबिक, आपकी वेट के मुताबिक, दैट हाउ मेनी कैलोरीज योर बॉडी नीड्स। फॉर एग्जांपल मैंने अपनी कैलकुलेट की है तो मेरी 1800 कैलोरीज मेरी बॉडी को चाहिए। अब 1800 जो चाहिए, अब जूँ ही मैं 1800 से ज़्यादा कैलोरीज खाना शुरू कर दूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर 1800 की कैलोरीज मेरे 3 मील्स के अंदर पूरी हो जाती है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर में, इफ़ आई स्टार्ट टेकिंग अदर फूड अदर देन ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, देन ऑल दैट फूड विल बी स्टोर्ड इन माई बॉडी एज फैट्स। फिर मेरा पेट बढ़ना शुरू हो जाएगा, मेरे बॉडी के दूसरे हिस्सों में फैट आना शुरू हो जाएगा, मेरे जो अंदर लंग्स हैं और लीवर्स हैं उनके ऊपर फैट आना शुरू हो जाएगा, हार्ट पे फैट आना शुरू हो जाएगा, बिकॉज ऑफ दैट देन आई माइट एक्सपीरियंस अ लॉट ऑफ डिजीजेस। तो नैनो टेक्नोलॉजी जो चिप वाली है, बायोनिक चिप, ये आपके अंदर क्या करेगी कि ये कंट्रोल करेगी, सिर्फ 1800 पे जब कैलोरीज आ जाएंगी तो फिर ये बॉडी के सिस्टम को स्टॉप कर देगी, उसके बाद आप जो कुछ भी खाते रहेंगे वो कैलोरीज आपकी जिस्म में स्टोर नहीं होंगी और ना ही वो आपका जिस्म उन कैलोरीज को एक्सेप्ट करेगा, तो आप खा तो लेंगे बट दैट विल नॉट बिकम पार्ट ऑफ योर बॉडी। अब ये देखने में तो इट्स वेरी गुड टेक्नोलॉजी कि इससे तो ओबेसिटी दूर हो जाएगी, डिजीजेस दूर हो जाएंगी बहुत सारी, और मे बी इससे लॉन्जेविटी भी बढ़ जाए, लोगों की उम्र भी बढ़ जाए, बट देर आर मैनी एथिकल इशूज विच अराइज बिकॉज ऑफ दिस नैनो टेक्नोलॉजी, कि क्या वो चिप एथिकली
अंदर होनी चाहिए, और क्या एक नेचुरल बॉडी के अंदर बाहर की फॉरेन बॉडी आप इंसर्ट कर रहे हैं, तो उसके जो साइड इफेक्ट्स होंगे वो बॉडी के ऊपर क्या आएंगे, आप नेचर के साथ इंटरवीन कर रहे हैं तो इंटरफेयर कर रहे हैं, तो नेचर उसको कैसे रिस्पॉन्ड करेगी। तो इस तरह के एथिकल इश्यू, और फिर कुछ कुछ ऐसे स्कूल ऑफ थॉट भी हैं जो कि कहते हैं कि हम मेडिसिंस भी तो लेते हैं, आखिर मेडिसिंस भी फॉरेन बॉडीज ही हैं और वो भी केमिकल से तैयार होती हैं, बट दे हेल्प अस एंड दे गिव अस रिलीफ फ्रॉम डिजीजेज, सो व्हाई नॉट बायोनिक चिप्स। तो दोनों स्कूल ऑफ थॉट्स हैं, तो इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि फ्यूचर में ये जो बायोनिक चिप्स जो होंगी ये बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, या नैनो टेक्नोलॉजीज या रोबोट्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, तो ये एक डिबेट है कि वेदर देर शुड बी सम लॉज, और कितनी रिसर्च इस फील्ड में होनी चाहिए, कितनी लिमिटेशन होनी चाहिए। एक्सक्यूज मी। ओके, अब हम देखते हैं आर साइबर एथिक्स इश्यूज यूनिक, कंसीडर द एमी बॉयर केस ऑफ साइबर स्टॉकिंग इन लाइट ऑफ इश्यूज रेज्ड। अब अगर आप ये, मैंने कि एक अमेरिकन केस साइबर स्टॉकिंग का यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा, वैसे क्योंकि मुझे पाकिस्तानी कम्युनिटी से साइबर स्टॉकिंग का कोई केस नहीं मिला, और होंगे लाजमी बहुत सारे होंगे क्योंकि आजकल जितना इंटरनेट प्रिवेल कर चुका है और उसका यूजेज जितना बढ़ चुका है, डेफिनेटली यहाँ पर भी होंगे, लेकिन ये एक बड़ा ही फेमस केस था जो कि अमेरिका में हुआ एमी बॉयर का। तो एमी बॉयर के केस में ये हुआ था कि एमी बॉयर एक कॉलेज स्टूडेंट थी, और उसको उसका एक स्टॉकर था, स्टॉकर उसे कहते हैं जो आपकी जो आपको फॉलो करे, मतलब वो बिकॉज ऑफ सम अफेक्शन विद यू और बिकॉज ही फील्स दैट ही इज़ इन लव विद यू और ही और शी, तो उसके अंदर वो अगर आपको स्टॉक करे, आपकी हर एक्टिविटी पे नज़र रखे, आप कब आ रहे हैं, कब जा रहे हैं, किधर जा रहे हैं, तो उसको स्टॉकर कहा जाता है। तो अब पहली दफा ऐसा हुआ है एमी बॉयर के केस में कि एक साइबर स्टॉकर आया जिसने इंटरनेट टेक्नोलॉजीज को यूज किया, मोबाइल टेक्नोलॉजीज को यूज किया, और वो एमी बॉयर पर नजर रखा करता था, उसकी और उसकी फैमिली पे नजर रखा करता था, और फिर वो उसने वेबसाइट भी बनाई हुई थी जिसके अंदर वो एमी बॉयर की सारी जो डेली की एक्टिविटी होती थी उनको पोस्ट भी किया करता था। बट इट इज़ अनफॉर्चुनेट दैट नो बडी टेक केयर ऑफ दैट एंड नो बडी लुकड एट दैट वेबसाइट एंड दे कुडंट फाइंड आउट दैट वट ही वॉज पोस्टिंग ऑन दैट वेबसाइट, सो ही वॉज पोस्टिंग एवरी थिंग एंड देन ही स्टार्टेड मेकिंग प्लान टू किल एमी बॉयर एंड हर फैमिली। तो उसने सोचा कि मैं इन सबको मार दूँ, क्योंकि एमी बॉयर उससे बात नहीं किया करती थी और शी हैड गॉट अ बॉयफ्रेंड। तो अब उसमें उसने फिर वो प्लान, इवन ही पुट दैट प्लान ऑन द इंटरनेट एज वेल। अब इसके अंदर उसने कैमरास भी यूज़ किए, मोबाइल टेक्नोलॉजी भी यूज़ की, वेबसाइट्स भी यूज़ किए, तो इसने साइबर टेक्नोलॉजीज यूज़ की स्टॉक करने के लिए। सो दिस वाज अ वेरी यूनिक केस एट दैट टाइम एंड इवन बाय दिस टाइम एज वेल। तो फिर उसने इवेंचुअली एमी बॉयर को मार भी दिया, तो जब उसने मारा तब देन पुलिस स्टार्टेड डूइंग इन्वेस्टिगेशन एंड दे फाइंड आउट दैट ही हैड गॉट अ वेबसाइट फॉर दिस, ही हैड गॉट मेक ही हैड मेड अ सोशल मीडिया फॉर दिस एंड ही यूज्ड टू पोस्ट एवरीथिंग अबाउट एमी बॉयर ऑन दैट मीडिया, बट नोबडी टुक अ नोटिस ऑफ इट एंड नोबडी केयर्ड अबाउट दैट। बिकॉज ऑफ दैट अ यंग एंड इनोसेंट गर्ल वॉज किल्ड। तो तब ये डिबेट शुरू होनी शुरू हुई कि साइबर टेक्नोलॉजी के ऊपर लाजमी ऐसे एथिक्स होने चाहिए और ऐसे एथिकल चेक्स होने चाहिए, ऐसे रूल्स और पॉलिसीज होने चाहिए जो इस तरह का वाकया दोबारा ना हो। तो इज देयर एनीथिंग न्यू और यूनिक अबाउट दिस केस फ्रॉम एन एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू? ऑब्वियसली ये वाकई यूनिक है। बॉयर वॉज स्टॉक्ड इन वेज दैट वर नॉट पॉसिबल बिफोर साइबर टेक्नोलॉजी। अब उससे पहले स्टॉक करना इतना आसान नहीं था और वो घर पे बैठ के करता। साइबर टेक्नोलॉजी का ये इशू भी है कि जो स्टॉकर होता है उसको हर टाइम बाहर होना पड़ता है। अगर इफ़ यू आर, वेल आई होप यू डोंट स्टॉक एनीवन, बट इफ समबडी इज स्टॉकिंग समबडी देन दे हैव टू बी बिहाइंड दैट पर्सन और हैव टू फॉलो दैट पर्सन एवरी वेयर दे वेर एवर दे गो। बट इफ यू आर यूजिंग साइबर टेक्नोलॉजी इवन बाय सिटिंग एट होम यू कैन स्टॉक समबडी। तो दिस वॉज रियली यूनिक केस।
So cyber ethics sometimes is definitely unique. But do new ethical issues arise? अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि क्या वाकई एथिकल इश्यूज, जिस तरह एमी बॉयर का एक नया केस था, क्या नए केसेस भी पैदा होते हैं टाइम के साथ साथ. तो टू पॉइंट्स ऑफ व्यूज हैं इसके ऊपर. एक तो ट्रेडिशनलिस्ट्स का पॉइंट है और एक है यूनिकनेस प्रोपोनेंट्स का पॉइंट. ट्रेडिशनलिस्ट जो होते हैं वो क्या कहते हैं कि नथिंग इज न्यू, क्राइम इज क्राइम एंड मर्डर इज मर्डर. तो वो कहते हैं कि दिस इज जस्ट अ क्राइम and this is just a murder, so there is nothing new. I mean, there were some stalkers in the past as well, and they did that kind of thing in the past as well, so there is nothing new in the Amy Boyer case. Lekin jo uniqueness proponents hain, yani wo log jo kehte hain ki nahi ye ek unique case hai, wo kya kehte hain ki cyber technology has introduced at least some new and unique ethical issues that could not have existed before computer. To wo ye kehte hain ki nahi ye koi बिल्कुल रेगुलर केस नहीं है या रेगुलर मर्डर या स्टॉकिंग केस नहीं है, बट इट्स अ वेरी न्यू केस बिकॉज दैट पर्सन हु द स्टॉकर ऑफ एमी बॉयर, ही यूज्ड अ टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी. ही यूज्ड साइबर टेक्नोलॉजी विच नेवर एग्जिस्टेड बिफोर एंड ही यूज्ड दैट काइंड ऑफ मीडियम्स विच वर नेवर एक्सपीरियंस्ड बाय अदर पीपल बिफोर. सो दिस इज टोटली न्यू थिंग एंड यूनिक थिंग एंड वी शुड डील इट as if it's a unique thing, and so that is why we should introduce new rules and unique rules for these kind of cases. So both sides seem correct on some claims and both seem to be wrong on others. So hum keh sakte hain ki dono apni apni jagah pe sahi bhi hain lekin kuch points mein galat bhi hain. Jis tarah ke agar traditionalists ko hum dekhen to wo theek to keh rahe hain ki is tarah ke stalkers pehle bhi the, ye crime is crime. लेकिन अगर हम इनको देखें तो हाँ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी के आने से चूंकि वेज ऑफ स्टॉकिंग बढ़ गए हैं या वेज ऑफ क्राइम बढ़ गए हैं, तो आप इसको एज ए जनरल ना डील करें बल्कि इसको ऐसे यूनिक केसेस देखें जिसमें साइबर टेक्नोलॉजी यूज हो रही हो. जब आप इसको एज ए यूनिक केसेस देखेंगे तो फिर आप यूनिक लॉज बनाएंगे, फिर यूनिक पॉलिसीज बनाएंगे, और वो पॉलिसीज जो होंगी वो सिर्फ साइबर क्राइम्स को ही टारगेट कर रही होंगी या साइबर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इश्यूज को ही टारगेट कर रही होंगी. ट्रेडिशनल्स अंडर एस्टिमेट द रोल दैट इश्यूज ऑफ स्केल एंड स्कोप दैट अप्लाई बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिस तरह मैंने अभी बात की. तो इसको स्केल और स्कोप को रिजेक्ट कर रहे हैं या अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं. साइबर स्टैकर कैन स्टॉक मल्टीपल विक्टिम्स साइमल्टेनियसली, आप देखें इसके अंदर ये इश्यूज है, एंड ग्लोबली बिकॉज ऑफ द स्कोप. अब स्केल और स्कोप क्या चीज है इसमें, अगर हम देखें, अब जो एमी बॉयर का स्टॉकर था वो सिर्फ एमी बॉयर को ही नहीं स्टॉक कर सकता था, बल्कि विद द हेल्प ऑफ साइबर टेक्नोलॉजी ही कुड हैव स्टॉक्ड मेनी गर्ल्स और मेनी अदर पीपल, एंड नॉट ओनली फ्रॉम हिज कम्युनिटी बट ऑल्सो ग्लोबली एज वेल, बिकॉज यू हैव गॉट एक्सेस टू इंटरनेट. तो यू कैन नॉट ओनली स्टॉक वन पर्सन, बिकॉज इनिशियली आई मीन ट्रेडिशनली whenever you people used to stalk, they used to stalk only one person or a few other persons, because you don't have energy to stalk so many people. But with the help of this technology, you are sitting in your bedroom and you can do that kind of crime with multiple peoples and simultaneously, and also globally as well, because you have got access to internet. They also can operate without ever having to leave the comfort of their homes. So wo बिल्कुल घर बैठे बेडरूम के अंदर ही काम कर सकते हैं. अच्छा, इस अभी हमारा इस लेक्चर का टाइम खत्म होता है यहाँ पर, तो अब हम इन्हीं यूनिकनेस इश्यूज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर. तो मैं आप थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ कि अभी तक हमने क्या देखा. अभी तक हमने ये देखा कि सबसे पहले साइबर एथिक्स क्या होते हैं, उसके ऊपर हमने बात की. उससे भी पहले, सॉरी, मैंने आपको साइबर स्पेस के मुतालिक बताया कि व्हाट अ साइबर स्पेस इज एंड व्हेन वाज इट स्टार्टेड. देन आई टोल्ड यू अबाउट साइबर टेक्नोलॉजी, दैट व्हाट आर डिफरेंट मीडियम्स व्हिच आर इंक्लूडेड इन दिस टेक्नोलॉजी, जिसमें कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क रिलेटेड या मोबाइल टेक्नोलॉजी रिलेटेड, ये सब साइबर टेक्नोलॉजीज के अंदर मीडियम्स आते हैं. एंड देन वी टॉक्ड अबाउट दैट देयर शुड बी there are some cyber ethics which are in place, but they are
frequently updated because new technologies are coming into the market with every passage of time. तो उसके लिए साइबर एथिक्स भी जो कॉन्टीन्यूसली अपडेट हो रहे हैं. फिर हमने साइबर एथिक्स की हिस्ट्री देखी कि ये कहाँ से स्टार्ट हुए और फिर डिफरेंट एरर्स के अंदर साइबर एथिक्स के किस तरह के इश्यूज थे जो कि अराइज होते रहे. और फिर हमने फ्यूचर इश्यूज भी देखे कि फ्यूचर में जो न्यू टेक्नोलॉजीज आ रही हैं उसमें कैसे इश्यूज आ सकते हैं. फिर हमने देखा कि क्या साइबर एथिक्स इज इट डिफरेंट फ्रॉम कंप्यूटर एथिक्स और इंटरनेट एथिक्स और इज इट डिफरेंट फ्रॉम अदर जनरल एथिक्स. तो उसके अंदर हम यूनिकनेस के ऊपर आए कि क्या साइबर एथिक्स यूनिक हैं, क्या इंटरनेट एथिक्स, कंप्यूटर एथिक्स और जनरल एथिक्स, क्या वो तीनों एथिक्स इसको एड्रेस नहीं कर सकते. अगर हम ये साबित करने में कामयाब हो जाएं कि साइबर एथिक्स यूनिक हैं तो फिर हम वो तीनों एथिक्स के अलावा साइबर एथिक्स के लिए नई पॉलिसीज बनाएंगे, नए रूल्स बनाएंगे. सो वी डिस्कस सम यूनिकनेस एंड वी डिस्कस्ड अ पर्टिकुलर केस while defending the uniqueness of cyber ethics. In the next lecture, we will continue this uniqueness issue and then we will go on to the more general cyber ethics policies. Tab tak, Allah Hafiz.